सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के समापन पर हुआ प्रसाद भंडारा। व्यासपीठ महाराज बोले, कराहल भक्तों की नगरी खबर कराहल से है, जहां स्थित सत्यनारायण मंदिर पर विगत सात दिनों से भागवत कथा का आयोजन कराहल निवासी राजेंद्र मंगल एवं उनके समस्त परिवार द्वारा करवाया जा रहा था। भागवत कथा का वाचन वृंदावन से पधारे व्यासपीठ ब्रजभूषण महाराज द्वारा किया गया। कथा का प्रारंभ कराहल नगर में भव्य कलश यात्रा निकाल कर की गई, जिसमें डीजे बैंड और भजनों की धुन पर भक्तगण नाचते झूमते नजर आए। कथा के दौरान ब्रजभूषण महाराज द्वारा मधुरवाड़ी में भागवत कथा का मानव जीवन में महत्व समझाया गया। बताया गया कि भागवत कथा से इस तरह जीवन में सुख और ईश्वर भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। कथा सिखाती है कि हमें धर्म के पथ पर चल कर मानव सेवा के कार्य करने चाहिए, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कथा में कई झांकियां जैसे शंकर पार्वती विवाह, कृष्ण जन्म रुक्मणी विवाह, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, कृष्ण सुदामा लीला के दर्शन तथा श्रोताओं को करवाए, भक्तों में बहुत उत्साह उमंग थी। भगवान की कथाओं के रंग में हर कोई डूबा हुआ था। सारा माहौल भक्तिमय हो गया था तथा अंत में व्यास पूजन हो गया। कथा समापन पर जजमान द्वारा नगरवासियों को प्रसाद भंडारे की व्यवस्था की गई। अंत में नम आंखों से वृंदावन से पधारे ब्रजभूषण महाराज को विदा किया गया। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराज जी, आप पहली बार कराहल नगर में आए, आपने भागवत श्रीमद भागवत जी का वाचन किया, काफी लोगों में उत्साह था, क्या कुछ और बताना चाहते हो यहाँ के बारे में? ये कराहल की भूमि जो है भक्तों की भूमि है, और यहाँ पर जो भी कथा सुनने आए उन्होंने इस प्रकार से आकर के उत्साह वर्धन किया कि सात दिन कम निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। अगर कथा श्रोता हो तो कराहल की भूमि जैसे हो, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सत्यनारायण भगवान से कि पुनः कराहल में आने का एक बार मौका हमको जरूर मिले। बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो यजमान हैं श्री राजेंद्र कुमार मंगल जी और उनका समस्त पूरा परिवार, सभी ने संपूर्ण सहयोग किया और बहुत ही आनंद के साथ में कार्यक्रम सफल हुआ, और सभी भक्तों ने आकर के इसका बहुत आनंद बढ़ाया।